को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। दो अशआर मैंने हैदराबाद लिखे थे, ये आपकी नजर आप तशरीफ फरमाएंगे, आप तो काबिल हैं लिहाज से। खत्म नबुवत आप हैं, खत्म रसूल अब कोई नबी ना आएगा मेरे मुस्तफा के बाद। और तकमीले दीन हो गई, इधर तो मुनाजरे भी बड़े हुए उलमा ने फरमाया, लेकिन बाद में समझ आई कि बहुत कीमती शेर बन गया। तकमीले दीन हो गई हुई वही तमाम, तकमीले दीन हो गई हुई वही तमाम, कोई वही न लाएगा मेरे मुस्तफा के बाद, अब कोई वही न लाएगा मेरे मुस्तफा के बाद, अब कोई नबी न आएगा मेरे मुस्तफा के बाद। बाबा जी के साथ एक कलाम पढ़ा, ये फैजाबाद में तो नबी नब नूर के आइए बड़ा लोग सुनते थे बाबा जी, तीन बजे दो बजे तीन बजे अजान से पहले थोड़ा सा, इस साहब किधर गए हो, ये लो पढ़ो आओ, उन्हें ऐनी करना है ऐनी कर देना बंदे आना भी जीती साहब आने लगे बाबा जी। उसके बाद फिर शालकोट में एक जगह अभियान के लिए आए, पहले मैं आपको टेलीफोन पर कलाम कदर भुला। एक गवैया था जिसने ये कलाम लिखा है, कोई आलम फाजल कोई सूफी पीर फकीर नहीं, आजी मोहम्मद आलम लोहार। फुला बुलबुल जाने साफ दमारा वाली, कदर फुलांदा ओ गिरज की जाने मुर्दे खान वाली, कदर खटावन ना शर्मावन, शर्मा दूर हटाया माशर दे दिल इन बे कदरानू ते भुल जान गिया वड़ियाँ। यूसुफ दा मालम होया ते भाइयों मिस्र गया नू, इस शेर ते बाबा जी रोंदे। अच्छा ओ यूट्यूब ते है किसे को, वो कट के साईं सुनाओ ना, साईं सुन दे बाबा जी रोंदे ना इस गल। अच्छा कदर यूसुफ दा मालम हो
نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ تے اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن کیا محمد سرور سرور تو نہیں امت